हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है श्री पटेल और स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉल की। यहाँ पे फॉल शुरू हो चुका है और ये आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ट्रीज़ का कलर सब चेंज हो चुका है। हर एक ट्रीज़ का अलग अलग कलर है, मतलब शेड्स चेंज होते हैं। तो आइए बताता हूँ मैं आपको। और ये पूरा साइकिल ट्रेल है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये कलर्स कैसे हो चुके हैं। ये मुझे फ़ोन पे जो कलर्स है वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है, लेकिन जो ग्रीन कलर है, ये जो वैसे वो रेड है ये, लेकिन फ़ोन में शायद आपको पिंक जैसे दिख रहे होंगे। हालांकि ये जो रेड है, जैसे कि जो ट्री है उसमें एक ही ट्री में बहुत सारे अलग अलग रंग है। एक साइड पूरा रेड है, एक साइड थोड़ा ऑरेंज हो गया, यहाँ पे बाकी सब लीव्स ग्रीन है। ये मैंने नोटिस किया है कि जो बाहर के जो लीव्स होते हैं वो जल्दी रेड होते हैं, और जितने ऊपर होते हैं वो जल्दी रेड या ऑरेंज होते हैं, और जो नीचे होते हैं जो रूट्स के क्लोज होते हैं वो ग्रीन रहते हैं कंपेयर टू द टॉप। इसके वजह का साइंस मुझे नहीं पता है, पर ये एकदम ये रोड है और सारे ही ट्रीज़ फ़िलहाल अलग अलग कलर्स के हो गए हैं। और ये जो मेरे पीछे वाला ट्री है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, वो पूरा ही रेड हो चुका है। ये वाला जो ट्री है वो पूरा ही रेड हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा ही रेड। शायद आपको पिंक ऐसा शेड आ रहा होगा शायद, लेकिन ये बहुत ही रेड है, एकदम डार्क रेड। कंपेयर करें तो आप जैसे ब्लड का कलर होता है रेड, उसके जैसा हो गया है, पूरा ही रेड। फॉल की खूबसूरती रिकॉर्ड करने के लिए मेरे घर के पास जो एक पार्क है, एंजू हिडन पार्क, वहाँ पे आया हूँ। और वो पार्क की जो इम्पोर्टेंस है, जो फीचर्स है, मतलब जो पार्क है उसको भी मैं रिकॉर्ड करूँगा आपको दिखाने की। मैं चल के बहुत दूर से आया हूँ तो थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और थोड़ी ठंड है यहाँ पे आज। वैसे ढेर सनी है पूरा, लेकिन ठंड है। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा साइकिल ट्रैक है ये भी। यहाँ पे साइकिल लेके भी आ सकते हैं, अभी मेरे पास साइकिल नहीं है तो चल के आया हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर साइकिलिंग के लिए बहुत अच्छा ट्रैक है। और मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, बड़ी जो ट्रैक है वो जाता है डाउनटाउन तक, और जब स्नो होती है तब ये पूरा ट्रैक को ऐसा बना है कि ये वो जो स्केटिंग होता है वो करके आप लोग सीधा डाउनटाउन भी जा सकते हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि ये कितना सच है, लेकिन मैंने सुना है ऐसा। ठंड की वजह से थोड़ा हाथ भी वो हो गया है, जाम हो गया है। और लास्ट टाइम मैं जब आया था मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन तभी मैं ये वाले अंडरग्राउंड जो टनल है छोटी सी, वैसे आया था। उसके ऑपोजिट साइड एक रोड है, मैं शायद घर वापस जाने के टाइम ये जो वे है मैं ट्राई करूँगा, अगर अंधेरा नहीं होगा तो, क्योंकि ये बहुत ही लंबा और डार्क है। तो लास्ट टाइम मैंने कुछ इंसेक्ट देखा था, तो इस टाइम मैंने जो खुला आसमान वाला रोड है, रूट है सॉरी, वो मैंने चूज़ किया। और ये बढ़िया सी झरना जा रहा है, नदी नहीं बोल सकते, ये यहाँ से आता है। ये अलग टनल है और ये वाले टनल अलग है। सो ये पानी के लिए और ये बस रोड क्रॉस करने के लिए बोल सकते हैं आप लोग। मैं रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ हम पार्क के जो बोलते हैं हार्ट बोलते हैं पार्क का, वहाँ पे आए हैं। यहाँ से बहुत सारे डिफरेंट व्यूज दिखते हैं, जैसे कि पहले यहाँ पे जो एक छोटा सा लेक है, यहाँ पर जो छोटा सा लेक है वो दिखता है,
फिर थोड़ी दूर नज़र करेंगे आप तो यहाँ पे जो जितने भी शीप है, सॉरी जितने भी शीप है वो देखेंगे। वहाँ पे दूसरा प्रोविंस आ जाता है क्यूबेक, उसका सिटी है गेटन्यू, वो दिखता है। और थोड़ा राइट में जाएंगे हम लोग तो वहाँ पे इसी का एक पार्ट है, ब्रिटानिया बीच है उसका नाम, वो दिखेगा। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे पहले। ओके, सो बहुत ही ब्लर दिख रहा होगा लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर है वो। जो ये है वो ब्रिटानिया बीच है और ये जितने भी जो है ये बर्ड्स है वो पानी की मज़े लेते हैं। और जैसे कि यहाँ पे फैमिलीज आती है अलग अलग तो अपने डॉग्स पेट्स के साथ खेलते हैं यहाँ पे, और कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ आके ऐसे सन बात लेते हैं, चिल करते हैं, फैमिलीज के साथ आते हैं। लास्ट टाइम मैं जब आया था इसी टाइम में शाम के 5:30-6 बजे, तभी वहाँ पे एक बच्चे जो आई थिंक 4-5 साल का होगा, वो बेबी का फ़ोटोशूट चल रहा था। वो बेबी कुछ नखरे कर रहा था, अलग अलग ड्रेसेस उस पर ट्राई करी जा रही थी तो उसका फ़ोटोशूट चल रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते लोग यहाँ पे, और जो ब्रिटानिया बीच मैंने बोला वहाँ पे लोग अपनी जो मुझे नाम नहीं पता काया कुछ बोलते हैं, मतलब अपनी छोटी जो हाथ से चलाने वाली बोट होती है वो लेके आते हैं। फिर सेलिंग करने के लिए पता नहीं वो एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, लेकिन जो भी पानी वाली एक्टिविटीज़ होती है वो करी जाती है। जैसे कि यहाँ पे जो है वो बंदा बहुत ही दूर है, वो नहीं दिखेगा कैमरा में, कि जो ये जो बंदा है वो अपनी बोट लेके आया है जो हवा के हिसाब से चलेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे एक्टिविटीज़ अपने घर से लेके आते हैं और करते हैं, अपनी पर्सनल बोट्स भी यहाँ पे रखते हैं। कुछ चार्ज होता होगा उसका, लेकिन पूरा क्लब है, सेलिंग क्लब करके पूरा एक क्लब है, उसकी मेंबरशिप फ़ी होती होगी। और वो तो वो हर समर में लोग अपनी बोट्स है जो भी है वो रख के जाते हैं, इंजॉय करते हैं, हर इवनिंग को यहाँ पे आते हैं, खास कर वीकेंड्स को बहुत लोग आते हैं और बस इंजॉय करते हैं कैनेडियन लाइफ को अपनी। और जो मैंने सिटी बताया था गेटन्यू, वो जो पीछे है वहाँ पे एक पार्क है गेटन्यू पार्क करके, वहाँ का व्यू थोड़ा मतलब माउंटेनियस रीजन है थोड़ा वो जो पार्क का है। वहाँ पे मुझे पता नहीं है लेकिन मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन मेरे जो घर पे लोग रहते वो बोल रहे थे कि वहाँ पे वर्थ इट है फॉल में जाना, मतलब बिटवीन सितंबर टू नवंबर के बीच में आप जाओगे तो वहाँ का जो माउंटेन पे जो ट्रीज़ है वो बहुत ही अच्छे दिखते हैं। जो मैंने बताया फॉल के अलग अलग कलर्स होते हैं तो वहाँ पे पूरा रेड हो जाता है, और यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से थोड़ा नज़ारा दिख रहा है, लेकिन वो उतना मज़ेदार नहीं होगा वहाँ पे खुद एक्सपीरियंस करने के वहाँ पे खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा तभी मज़ा आएगा। मैं ट्राई करूँगा जाने की, वहाँ पे बसेस नहीं जाती है, लेकिन आई विल ट्राई टू विजिट द प्लेस। जो फॉल में जो ट्रीज़ का जो वेरिएशन आता है वो कुछ ऐसा होता है कि जो पहले लीव्स होते हैं ट्रीज़ के या फिर प्लांट्स के वो बाय डिफॉल्ट जैसे ग्रीन होते हैं वैसे होते हैं, फिर चेंज होने के बाद ऐसे येलो हो जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़े ऑरेंज हो गए, उसके बाद रेड हो जाएंगे, और एट द एंड ऐसे पूरे सारे के सारे जो लीव्स है वो निकल जाएंगे। और यहाँ पे भी ट्री के साथ ऐसा हो गया है कि पूरा ट्री है वो उसके लीव्स चले गए हैं, तो फॉल ख़त्म होने तक मोस्टली सारे ही ट्रीज़ के जो लीव्स है वो चले जाएंगे, ऐसा मुझे बोला गया एक यहाँ पे यहाँ के सिटीजन थे उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा होता है। और आप लोग हवा देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा लग रही है, सो यहाँ इंजॉइंग इट, लेकिन बहुत देर तक करने के बाद ये जो हाथ है वो थोड़े जाम हो जाते हैं ठंडी के कारण। तो जो मैं हवा की बात कर रहा हूँ आपको मेरे बारे से पता चल गया होगा कि कितनी हवा जा रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको एक्यूरेट चाहिए तो इसकी स्पीड देखिए आप, बहुत ही फास्ट घूम रहा है ये।
बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे। अगर ऐसी हवा उत्तराखंड में हो तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। यहाँ पार्क में हर 100 मीटर से बाद आपको एक बेंच मिलेगी बैठने के लिए, और उसके बगल में डस्टबिन मिलेगा। पीछे भी देखो वहाँ पे ऐसा ही है, यहाँ पे बेंच है और यहाँ पे उसके बगल में डस्टबिन है। उसका कारण ये है कि अगर आप बेंच पे बैठे बैठे कुछ खा रहे हो, यूँ के मज़े ले रहे हो, तो आप कचरा ना फैलाए पैकेट्स को यहाँ वहाँ डाल के, तो उसकी वजह से डस्टबिन उसके बाजू में ही रखा गया है। ये पार्क है, आप उसकी डिज़ाइन को समझिए, मतलब देखिए कैसी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक फाउंटेन है, ये पीछे हो रहा है, उसको एंजॉय करने के लिए यहाँ पे पीछे एक बेंच है, यहाँ लोग बैठे हैं वहाँ पे। उसके एग्जैक्टली पीछे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ओपन एयर थिएटर है, आग पे लाइट आ रही है। उसको एंजॉय करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी बेंचेस, जो डेस्क बोलते हैं, वो बिछाई गई है। और उसके पीछे आपके बच्चे जो अगर खेलने आ रहे हैं, छोटे बच्चे, उसको भी खेल उनको भी खेलने के लिए जो पीछे पार्क है, हमारे यहाँ लपसानी झूला से बोलते हैं, वो भी पीछे है। सो एक ही जगह पे तीन चीज़ें मेन है, और तो हवा है, मतलब बहुत सारे उधर देखो बर्ड्स भी है उसको एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे है, पता नहीं दिख नहीं रहा है, सो वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स है, तो मैं ये बर्ड्स की बात कर रहा था, यहाँ बहुत सारे बर्ड्स है, और ये पानी में भी बहुत सारे हैं। पता नहीं लोग खाना खा रहे होंगे शायद। यहाँ का साइकिल बोलो, वॉकिंग ट्रेल बोलो, जो भी बोलो, बहुत ही लंबा है, पता नहीं कहाँ तक जाता है। यार देखो बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स है, वेज है, ब्रिलियंट, जोरदार। ये जो सारे ट्रीज है यहाँ पे, ये पूरी लाइन में जो भी ट्रीज है, वो किसी की याद में या फिर किसी के देहांत के बाद बनाए गए हुए हैं, बिकॉज़ यहाँ पे हर एक के नीचे ऐसा नाम लिखा हुआ है। सो ये किसी की याद में ट्री को प्लांट करा गया है। मेरे होठ जो फफड़ रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत है, तो बोला भी नहीं जा रहा है। जो होठ होते हैं वो थोड़े कड़क हो गए हैं मेरे। तो बस यही था इंडोरन पार्क, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, लेकिन उतनी मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि चलना पड़ता है बहुत सारा, और जो मुझे जानते हैं उनको पता है मैं चलने में बहुत आलसी हूँ, लेकिन फिर भी मैं रोज़ के अभी बहुत सारे किलोमीटर चल रहा हूँ। सो ओके, आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, धीरे धीरे करके और थोड़ा एक्टिव बन जाऊँगा। अभी मेरे बोला नहीं जा रहा है, ये जो होट है वो मुझे बहुत ठंड है, पता नहीं टेम्परेचर तो नॉर्मल बता रहा है, लेकिन ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई सजेशन है आपका, तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए। कोई इम्प्रूवमेंट है वीडियो में, कुछ भी है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, या फिर DM कीजिए इंस्टाग्राम, या फिर अगर नंबर है तो डायरेक्टली उस पर। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरे हाथ अभी कांप रहे हैं ठंड के कारण, तो जा रहा हूँ घर पे मैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।